बाजी बाजी फूल ले लो। नहीं चाहिए। बाजी ले लो ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। बाजी ले लेना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेरे घर वाले आपको बहुत दुआएं देंगे, पूरे दिन से एक भी फूल नहीं बिका। नहीं चाहिए। बाजी ले लेना, बाजी 30 रुपए का एक देता हूँ, ले लो। नहीं चाहिए। अच्छा बाजी 50 के 2 दे दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है अपने गंदे हाथों से मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? तुम्हें पता भी है कितना महंगा है ये? हाय अल्लाह, बीबी इतना गुरूर तकब्बुर ठीक नहीं। बच्चा है, अगर कपड़ों को हाथ लगाया तो क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई? तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप हो जाऊं? मेरा दिल तुम्हारी तरह नहीं है, जो इतनी सी बात की तुमने इस मासूम को मार दिया। हाय अल्लाह, तौबा तौबा, जिस दिन तुम्हारा ये गुरूर टूटेगा ना, तब तुझे पता लगेगा। आसमान में उड़ने वाले जब जमीन पे गिरते हैं ना, तो चोट पे उतनी ही लगती है। चल, जाओ। चल गुड्डू। बेटा जब भी आते हो तुम कुछ ना कुछ लेके ही आते हो, तकल्लुफ मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। खाला जान, ये मेरा अपना घर है, आप मुझे अपना बेटा कहती हैं, तो मेरी मर्जी में जो भी लेकर आऊं। ऐसे क्या, मैं अपने दोस्तों से मिलने आया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से सलाम दुआ कर। अरे बड़ा अच्छा किया बेटा तुम आ गए। अजमल भाई के साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। जब तक वो जिंदा रहे हर महीने यहाँ का चक्कर लगाते थे। जी वो बाबा अक्सर कहा करते थे कि पुराने मोहल्ले जैसी बात नहीं होती और वहाँ जैसा अपनापन आपको कहीं भी नहीं दिखता। बेटा कभी अपनी अम्मी को भी हमारे घर लाओ ना, इस मोहल्ले से जब से वो गई हैं कभी वापस आई नहीं। जी खाला जरूर, मैं लेकर आऊंगा अम्मी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अरसे के बाद आए आप। हाँ वो जब से बाबा की डेथ हुई है तब से बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आन पड़ी है, तो उसमें बिजी रहता। खैर तुम सुनाओ, तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही? बस चल ही रही है, एग्जाम्स होने वाले हैं। कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। बेटा तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, इतने मसरूफ होने के बावजूद तुम और उषा की पढ़ाई में मदद करते हो। कमाल करती हैं खाला आप, मुझे अपना बेटा कहती हैं ना, और मैं भी आप लोगों को अपना समझता हूँ, तो फिर ये मेहरबानी शुक्रिया अरे बेटा तुम बिल्कुल अपने बाबा की तरह नेक और हमदर्द, हूबहू अपने बाप की तरह हो। चाय पियो ना। बेटा चाय ठंडी हो रही है। लो। हाँ भाई, तुम्हारा यूरोप का ट्रिप कैसा रहा? मैं भी सोच रही हूँ 1-2 हफ्तों के लिए अमेरिका चले जाओ। हाँ हाँ चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हुआ बेटा, आज ऑफिस से तुम इतना लेट क्यों आए हो? बस वो पुराने मोहल्ले चला गया था, वरना ऑफिस से तो जल्दी फ्री हो गया था। सैन तुमने कितनी बार कहा है वहाँ मत जाया करो, वो मोहल्ला हम छोड़ चुके हैं। क्या बात कर रही है अम्मी, मेरे सारे दोस्त वहाँ पर रहते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं वो लोग मुझसे। और हाँ वो अमीना खाला है ना, वो आपको सलाम दे रही थी। मैं तो कहता हूँ किसी दिन चले मेरे साथ, मैं आपको मिलवा कर लाता हूँ उनसे। मुझे उस इलाके में जाने का कोई शौक नहीं है, पहले तो फिर भी कुछ अच्छा था, अब तो बहुत ही अजीब सा हो गया। मामा हम भी उसी इलाके में ही रहते थे बहुत पहले, और वैसे भी वो मोहल्ला छोड़े हुए हमें तकरीबन कोई 8-10 साल हो गए। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, कल तुम ऑफिस से बेटा जल्दी आ जाना। फरियाद? वो मेरी दोस्त है ना फरियाल, मैंने उसको और उसकी बेटी को इनवाइट किया है, साथ में उसकी बेटी भी आएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम भी उससे मिल लो। मामा आपकी दोस्त है, उनकी बेटी है, आप टाइम स्पेंड कीजिएगा, मेरा क्या काम है। जैन तुम मेरा मतलब नहीं समझ रहे हो, मैं जब से मोना से मिली हूँ ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगी है, और तुम्हारे साथ तो बहुत ही सूट करेगी, इसलिए चाहती हूँ कि तुम भी उससे मिल लो। क्या हुआ है, तुम खामोश क्यों हो गए हो? नहीं कुछ नहीं। कोई बात है तो मुझे बताओ बेटा। हमें वो मुझे अरूसा पसंद है। अरूसा? ये वो मीना आपा की बेटी तो नहीं है? जी। क्या हो गया जैन, उनके स्टेटस में और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है, होश करो तुम। अम्मा आप क्या बात कर रहे हैं, और उरूसा में कमी क्या है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, नेक है, और अमीना खाला और साजिद अंकल को आप इतने अरसे से जानती हैं। आप अमीना खाला के यहाँ जाएं और मेरे रिश्ते की बात करें।
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस इलाके में दोबारा आना होगा। किस कदर गंदा हो गया है। गाड़ी से उतरी तो नाक पे रुमाल रख लिया, इतनी स्मेल। ये तो सब जैन की जिद की वजह से यहाँ आना पड़ा। अभी अब तो हर इलाके का एक जैसा हाल है। सफाई तो नाम को नहीं है, पूरा शहर कचरे का ढेर बन गया है। इसमें हमारा अपना भी कसूर है। अगर हर बंदा अपने हिस्से की सफाई करे तो आधा शहर तो यूं ही साफ हो जाए। हाँ, लेकिन ये इलाका तो पहले से भी ज्यादा गंदा हो गया है और लोग भी बहुत अजीब से हो गए हैं। नहीं, मुझे तो अब भी सब वैसा ही लगता है। वही करीम चाचा की किरयाने की दुकान, बब्बन चाचा के छोले, सब कुछ वैसे का वैसा ही तो है। आप अरुषा को बुलाइए, मैं ज्यादा देर यहाँ बैठ नहीं सकती। वो एक्चुअली मामा का मतलब है कि उन्हें कहीं जाना है, तो इसलिए। अरुषा भी आ गई, आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। आपने समोसे तो लिए नहीं, ये लीजिए ना। शुक्रिया, मैं समोसे नहीं खाती, पता नहीं किस ऑयल में बने हुए होंगे। हाँ, फिक्र मत कीजिए, ये अरुषा ने अपने हाथों से बनाए और बहुत मजे किए। बाहर की चीजें हम भी पसंद नहीं करते, आप आराम से सुकून से खा सकती हैं। तो आपने कौन सी अच्छी ऑयल से बनाया होगा? भाई और कोई खाया नहीं खाया, मैं तो जरूर खाऊंगा, है भी बहुत मजे का। अरे भाभी को चाय तो दे दो। जी जी, बासु ने ये तकल्लुफात रहने दीजिए, हम जिस मकसद के लिए आए हैं तो मैं आपको वो बता दूं। मैं अरुषा का रिश्ता जैन के लिए मांग रही हूँ आपसे। बेटा जैन अच्छा लड़का है, लेकिन नसरीन भाभी का मिजाज थोड़ा अलग है। जब वो इस मोहल्ले में रहती थी तो किसी से कहाँ घुलते मिलते थे, और जब उनके हालात बदले, उनके पास पैसे आए, तो उनके मिजाज ही बदल गए। इंसान को इंसान ही नहीं समझती वो। शुरू शुरू में तुम्हारे अब्बू जाते थे उनके घर, लेकिन भाई बहुत दौलत पे घुमंड है उनको, हमें तो वो जरा अहमियत ही नहीं देती। वो तो अजमल भाई थे जिनका इखलाक बहुत अच्छा था, पूरे मोहल्ले से उन्होंने बना के रखी हुई थी। वैसे जैन इखलाक में तो अजमल भाई पर गया है, शुक्र है अल्लाह का। अम्मी, आप खुद ही तो कह रही हैं कि जैन अजमल चचा जैसा है। मुझे पूरा यकीन है मैं जैन के साथ बहुत खुश रहूंगी। लेकिन बेटा, लड़की की शादी एक फर्ज से जरूर होती है, लेकिन उसे निभाना तो पूरे खानदान से पड़ता है। सैन सुबह ऑफिस चला जाएगा, रात को वापस आएगा, तुम्हें पूरा दिन तो नसीन भाभी के साथ गुजारना है ना, कैसे गुजारा करोगी? क्यों मेरी बेटी को डरा रही हो? नसीन भाभी की आदतें तो शुरू से ही ऐसी हैं। साजिश डरा नहीं रही हूँ, जो हकीकत है वो बता रही हूँ इसे। अरे अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने दिल से ये वहम और खदशात निकाल दो। हमारी अरुषा बहुत समझदार है, तुम देखना, अपनी मोहब्बत से नसरीन भाभी का दिल जीत लेगी। नसरीन भाभी का लहजा देखा था आपने, कितनी हकारत थी उनके लहजे में, मुझे बिल्कुल भी उनकी ये बात पसंद नहीं आई। तुम क्यों जरा जरा सी बात नोट करती हो? ये छोटी छोटी बातें नोट करोगी तो खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी का रिश्ता एक बड़े घर में हो रहा है। कैसा लग रहा? क्या मतलब कैसा लग रहा है? आज कुछ स्पेशल था? भाई तुम्हारे लिए नहीं होगा स्पेशल, मेरे लिए तो बहुत स्पेशल था, क्योंकि अब तो मेरे हो जाओगे।
सच कहूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे देगा। ये देखिए भाभी जान, मैं जैन के लिए कपड़े लाई हूँ। अमीना, जैन ऐसे कपड़े नहीं पहनता है। आप जैन को दिखाएं तो सही, उसे पसंद आएंगे। साजिद कह रहे थे कि आजकल लड़के लाइट कलर पसंद करते हैं। ये देखिए ना, सब लाइट कलर की तो जोड़े। ये देखें, ये भी कितना खूबसूरत लाइट कलर है। तो मेरा मतलब नहीं समझ रही हो, जैन ब्रांडेड कपड़े पहनता है। देखो, मुझे बात को घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है, मैं साफ साफ बता रही हूँ। जहेज में तुम अगर इस टाइप के कपड़े रखोगी तो बदनामी तो हमारी होगी ना। तुम्हें हमारे नाम का एहसास करना चाहिए था। मेरे रिश्तेदार देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, कहेंगे कहाँ शादी कर दी है। भाभी जान, मैंने तो सारी शॉपिंग बड़े बाजार से की है, वहाँ से हर चीज आला क्वालिटी की मिलती है। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि किसी चीज की कोई कमी ना रहे। पता नहीं तुम कौन से बाजारों में घूमती हो। जब मैंने तुम्हें कहा था कि अच्छे शॉपिंग मॉल में, बड़े शॉपिंग मॉल में जाओ, वहां से हमारे मयार के कपड़े लेकर आओ, अपने मयार के कपड़े उठा के ले आई हो। जी। अब ये समेटो सब चीजें। मैंने अभी अपने दोस्तों को चाय पे इनवाइट किया है, वो तो शुक्र है वो आ नहीं गई, वरना तो मेरा मजाक उड़ाती है सब कुछ देख के। एक मिनट, मैं आपके लिए भी जोड़ा लाई हूँ, देखिए कितना अच्छा कलर है, ये तो आपको पसंद आएगा। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? चलिए कोई बात नहीं, मैं तब्दील करवा दूंगी। रहने दो, कहाँ परेशान होती फिरोगी। सुरैया, सुरैया, ये लो, ये तुम ले लो सूट। मैं कहाँ पहनती हूँ ऐसे रंग। बहुत शुक्रिया। चाय पियोगी तुम? अभी रस्म शुरू करें। जी जी। बेटे हाथ दो। ये क्या, मेरे बेटे को आप इतनी मामूली रिंग दे रही हैं? भाभी, मामूली रिंग? अच्छी खासी महंगी रिंग है। हमारे लिए महंगी नहीं है। कितने की होगी? 20,000, ज्यादा से ज्यादा 25,000 बस। अरे कुछ तो हमारा ख्याल किया होता, मेरे खानदान वाले ये देखेंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। बस बहुत हो गया, हमने अपनी हैसियत से भड़कर किया है, लेकिन आपको तो कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही। बहुत बेइज्जती कर चुकी हैं आप हमारी, अब और नहीं। ये आप मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? आपकी औकात ही क्या है? मामा, क्या हो गया आपको? तुम चुप रहो जैन, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ रिश्ता करने के लिए आई हूँ, वरना ये इस काबिल है कि इनकी बेटी से मैं अपने बेटे का रिश्ता करती? आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपका मजीद कोई एहसान हमें नहीं चाहिए। मैं ये रिश्ता खुद खत्म करता हूँ। लेकिन साजिद, इतना तकब्बुर, इतना गरूर, किसी को अपने लायक नहीं समझती है। चलो जैन। मामा, अंकल, अंकल मामा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। परुषा, मामा ने जो भी फैसला किया बिल्कुल ठीक किया। Thank you.
क्या बात है जैन, तुम ऐसे क्यों टहल रहे हो? आपने बहुत गलत किया मामा, उनकी इतनी बेइज्जती सिर्फ इसलिए कि वो स्टेटस में हमसे कम है। ये रिश्ता मैंने नहीं खत्म किया, उन लोगों ने खत्म किया। तो वो लोग क्या करते मामा, कब तक बर्दाश्त करते? इतनी बेइज्जती करती हैं आप उनकी सिर्फ इसलिए कि वो हमसे कमतर है। जैन, तुम उन लोगों की वजह से अपनी माँ से झगड़ा कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। काश मामा, काश आपको इस चीज का एहसास होता कि आपने उन लोगों के साथ कितना गलत किया, कितनी तकलीफ पहुंचाई हो, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ अपना ख्याल। जैन, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे शेयर्स कैसे नीचे गिर सकते हैं? यही तो समझ नहीं आ रहा है मामा, ये सब हुआ कैसे है? सब खत्म हो गया मामा। तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, तुम्हारे पार्टनर्स हैं, उनसे हेल्प लो ना। तुम उनसे क्या हेल्प लो मामा, उनके पैसे मैंने अपने साथ इन्वेस्ट करवाए थे, वो तो उल्टा मुझे कोस रहे हैं कि मैंने उनके पैसे डुबो दिए। उनसे ज्यादा टेंशन मुझे बैंक वालों की है कि उनका लोन कैसे वापस करूंगा, अकाउंट में कुछ बचा ही नहीं। जैन, अगर हमने बैंक का लोन अदा ना किया तो ये घर, गाड़ी, हमारी सारी प्रॉपर्टी वो लोग ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा मामा कि हम क्या करेंगे। सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या करेंगे? ओह माय गॉड, या अल्लाह, क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता यार, 1,00,000 रुपए की तो बात है, मैं लौटा दूंगा तुम्हें कुछ दिन में। मालिक मकान ने एडवांस मांगा है, मुझे बहुत जरूरत है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे कम से कम तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? क्या होना है मामा, किराए का घर अरेंज किया था, मालिक मकान एडवांस मांग रहा है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो सहन, उनको बोलो ना कि हम एक दो दिन में दे देंगे उनको। ऐसा नहीं होता मामा, आज के दौर में कोई भी अपना मकान बिना पैसों के आपके हवाले थोड़ी कर सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? हम कहाँ जाएंगे, सड़क पर? हम अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं कर लेता रोड पर ही एडजस्ट। प्रॉब्लम आपका है, मैं आपको कहाँ लेकर जाऊंगा? देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम बैंक की तरफ से आए हैं, आपको ये घर खाली करना होगा। आप प्लीज हमें थोड़ी सी मोहलत दे दें, हम कर देंगे खाली। देखिए, हमें ऊपर से स्ट्रिक्टली ऑर्डर है, आपको ये घर इसी वक्त खाली करना होगा, हमें ये घर सील करना है और पुलिस भी अभी आती होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपने बॉस से कहें ना, हमें 2-3 दिन की मोहलत दे दें। मामा, रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, ये वही कर रहे हैं जो इन्हें कहा गया है। आप लोग सील कर सकते हैं, आप लोग अपना जरूरी सामान ले लें, हम बाहर वेट कर रहे हैं। सैन, हम कहाँ जाएंगे? सैन, मैं थक गई हूँ, कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ देखते हैं मामा, कुछ आगे से। चलो। अरे हम लोग तो, आप लोगों के घर गए थे, वहाँ ताला लगा हुआ है। अभी जाना, हम ढूंढते-ढूंढते यहाँ आ गए, शुक्र है आप लोग मिल गए। खाला जान, वो बैंक वालों ने हमारा घर सील कर दिया। बेटा, हमें सब पता लग गया है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, खुद को अकेला मत समझो, हम है ना।
आओ हमारे साथ हमारे घर चले। भाभी जान क्या सोच रही है, चले ना आप। चले हाँ। हाँ भाभी। आओ। और जमीन में इतराता ना चल, बेशक हरगिज जमीन ना चीर डालेगा और हरगिज बुलंदी में पहाड़ों को ना पहुंचेगा। बेशक अल्लाह को गरूर ना पसंद है, अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता। क्या हुआ आपको? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। रब ने तकब्बुर से मना किया है और मैंने उसकी नाफरमानी की। कुछ ना होते हुए भी अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू कर दिया, तो शुक्र अदा करने के बजाय मेरे अंदर गरूर और तकब्बुर आ गया। अपने से नीचे लोगों को कमतर समझना शुरू कर दिया और आज मेरे रब ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, उससे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। आंटी आप प्लीज मत रोए, अच्छी बात तो यह कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों पे तो गरूर की पट्टी बंधी हुई थी, जो मैं तुम्हारी अच्छाई और नेकी पहचान ही नहीं सकी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आप प्लीज ऐसे मत करें, आप मेरी बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगे। अल्लाह ताला जानते हैं कि मैंने आपको दिल से माफ किया। इंशाल्लाह आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी, जैन को अच्छी जॉब मिलेगी, बाबा भी ढूंढ रहे हैं जैन की अच्छी जॉब, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बच्ची किस्मत मांगी, अल्लाह मुझे माफ कर दे।